ट्रैक्टरों और ट्रालियों को कंपनी में अटैच करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके कब्जे से 18 लाख रुपए के 12 ट्रैक्टर और 5 ट्रालियों को जब्त किया गया है। हम आपको बता दें कि बड़ी कंपनियों में वाहन अटैच करके मोटा मुनाफा कमाने की लालच में किसानों और वाहन मालिकों से ट्रैक्टर ट्रालियां हड़पने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये शातिर गिरोह मालिक को बताए बिना वाहनों को गिरवी रखकर राशि हड़प लेते हैं। इस दौरान पुलिस ने बताया कि गिरोह ने बेड़िया क्षेत्र में 12 ट्रैक्टर ट्रालियां किसी कंपनी में अटैच कर 18,000 रुपये में और 25,000 रुपये प्रति माह की दर से दिलाने का लालच देकर वाहन मालिकों को चपत लगाई थी। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए फरियादी महेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि गिरोह के साथी सभी फरार हो गए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बेड़िया में शिकायत मिली थी दिसंबर महीने में कि ट्रैक्टर जो है ये बोलकर कि किसी कंपनी में लगा देंगे और पर मंथ उसको 18 से 25,000 रुपये देने की बात पे कई किसानों से जो है उसके ट्रैक्टर मैं ट्रॉली के कुछ लोगों द्वारा ले जाया गया था। जब उनसे बाद में उनको पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस के पास वो शिकायत करने आए थे। जब हमने अनुसंधान किया तो ये पाया कि उसमें कुछ व्यक्ति जो लोकल हैं देवास के भी हैं, इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक जो है कुछ किसानों को गुमराह करके और ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते थे और ये बोलते कि हम 25,000 रुपये तक किराया पर मंथ देंगे, परंतु उन किसानों के ट्रैक्टर को वो कंपनी में न लगाते हुए कहीं भी थोड़े मोड़े पैसे में ही गिरवी रख देते थे और गिरवी के पैसे को वो अपने पास रख दिया करते थे और गिरवी जहाँ रखते थे वहाँ भी ये बता दिए देते थे कि जो किसानों से उन्होंने कागज़ लिए थे उस कागज़ की कॉपी देते कि ये हमारे ही ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को रख लो, हमें पैसे की ज़रूरत है। इस पर से हमने अभी तक 12 ट्रैक्टर 5 ट्रॉली जब्त किए हैं और बैतूल देवास सोनकच्छ आदि स्थानों से पुलिस ने ये ट्रैक्टर जब्त किया है। इन ट्रैक्टरों की कुल कीमत 81,50,000 रुपये है और हमने अभी तक 6,000 रुपयों की गिरफ्तारी कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।